हनुमान, इस अंगूठी को पहचानते हो? मैं भला इस अंगूठी को कैसे भूल सकता। आज सीता की एक और स्मृति खो गई। मैं भी आपको अंगूठी लाकर देता हूँ प्रभु। इन सभी अंगूठियों को ले जाकर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके रहते प्रभु श्री राम का महाप्रस्थान संभव नहीं होगा। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। प्रभु, आपने कहा था कि मैं अपनी भक्ति से सब कुछ पा सकता हूँ। प्रभु, मैंने तो अपने भगवान को ही खो दिया। प्रभु लौट आइए, प्रभु प्रभु लौट आइए, प्रभु अपने हनुमान के पास लौट आइए। प्रभु ने कहा था कि बीता हुआ समय केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। किंतु आप केवल कोई स्मृति नहीं है प्रभु, आप मेरे जीवन का आधार है। अब मेरा इस संसार में क्या अर्थ है प्रभु? वापस आ जाइए प्रभु, लौट आइए अपने हनुमान के लिए। प्रभु प्रभु हमारे हनुमान जी आज कैसे अपने हृदय को शांत बना देंगे, कैसे अपने आप को समझाएंगे कि उनके राम, उनके प्रभु इस संसार से चले गए हैं। हनुमान जी के लिए आज से बड़ा दुख भरा दिन और कोई नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, यदि प्रभु राम हनुमान जी को बताकर जाते तो अच्छा होता। नहीं मंजरी, यदि राम जी हनुमान जी को बता देते तो हनुमान जी उन्हें जाने ही नहीं देते। हाँ, बिना जाने हनुमान जी यमदेव पर इतना क्रोधित हुए थे, यदि जानते तो पता नहीं क्या करते। हे प्रभु, इस संसार में कोई तो ऐसा होगा जो हमारे हनुमान जी का दुख कम कर सके। हनुमान, माता सीता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया माता जो प्रभु मुझे छोड़कर चले गए? किस बात का दंड मिल रहा है मुझे? आज पूरे संसार में मैं अकेला हो गया हूँ माता। क्यों माता, क्यों? उठो पुत्र,
हनुमान, प्रभु राम ने अपने जीवन काल में जिन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं की स्थापना की है, आने वाले समय में तुम्हें ही उनकी रक्षा करनी है। किंतु माता, आज संपूर्ण संसार में राम राज है। सभी लोग अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रभु राम की शिक्षाएं सदा सदा के लिए संसार में स्थापित हो चुकी है माता, तो भला उसकी रक्षा की क्या आवश्यकता है। हनुमान, संसार में कई ऐसी अधर्मी शक्तियां हैं जो धर्म की स्थापनाओं को खंडित करना चाहती हैं, किंतु प्रभु राम ने जो स्थापनाएं की हैं वो केवल आधा कार्य है, और जब तक तुम उनकी रक्षा का भार स्वयं पर नहीं लोगे, तब तक राम काज पूर्ण नहीं होगा। किंतु माता, रावण और अन्य असुरों का अंत हो चुका है, तो ऐसा कौन है इस संसार में जो मेरे प्रभु राम की मर्यादाओं और मूल्यों को नष्ट करना चाहेगा। कलयुग, 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 कलयुग। किंतु माता, मैंने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना। क्योंकि इससे पहले कलयुग का कोई अस्तित्व ही नहीं था, किंतु प्रभु राम के जाने का लाभ उठाकर वो समय से पूर्व ही इस संसार में आ रहा है। हनुमान, कलयुग का समय द्वापर युग के बाद आरंभ होता है, किंतु कलयुग एक युग पूर्व ही इस संसार को अपने अधीन कर लेना चाहता है, और ऐसा करने से केवल तुम ही इसे रोक सकते हो, और इसीलिए प्रभु राम तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। किंतु माता, मैं कलयुग को रोकूंगा कैसे? मैं तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। हनुमान, बस इतना समझ लो कि जब भी कलयुग आता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि कलयुग अर्थात घृणा, कलयुग अर्थात ईर्ष्या, कलयुग अर्थात लोभ मोह, कलयुग अर्थात काम क्रोध और अहंकार। कलयुग के प्रभाव से धर्म पंगु हो जाता है। यदि कलयुग को रोका ना गया तो वो अपनी गिद्ध दृष्टि से इस संसार के सभी मूल्यों, मर्यादाओं और मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। हनुमान, ध्वजा देख रहे हो हनुमान? वो प्रतीक है धर्म का, मर्यादा का, न्याय का और निष्ठा का, जिसे प्रभु राम ने इस संसार में स्थापित किया है। परंतु कलयुग का ना कोई धर्म है, ना मर्यादा और न ही निष्ठा। वो सबसे पहले प्रभु राम के भक्तों पर संकट बनेगा, उन सभी महान आदर्शों पर संकट बनेगा जिनकी स्थापना प्रभु राम ने की है। इसलिए हनुमान, अब इस संसार का संकट मोचन तुम्हें ही बनना है। संकट मोचन हनुमान बनकर तब तक कलयुग से सृष्टि की रक्षा करनी होगी जब तक प्रभु राम पुनः इस संसार में
अवतरित नहीं हो जाते। माता, क्या मेरे प्रभु संसार में लौट कर आएंगे? क्या मेरे प्रभु राम पुनः संसार में अवतार लेंगे माता? हाँ हनुमान, द्वापर युग में प्रभु राम का एक बार पुनः अवतरण होगा। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु राम पुनः आएंगे। माता, आपने ये बताकर मेरे सारे दुख दूर कर दिए। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मुझे इतना बड़ा कार्य सौंपा किंतु मैं समझ ही नहीं पाया। किंतु प्रभु, अब मैं इसी संसार में रहूंगा और करूंगा राम काज। अब मैं भी देखता हूँ प्रभु, कैसे वो कलयुग मेरे प्रभु राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं का खंडन करता है। धर्म को धारा से मिटाने आया हूं, काल के उस पार से मैं कलयुग आया हूं। सत्य का भक्षण करता हूं मैं, धर्म को अपने अधर्म की उंगलियों पर नचाता हूं मैं। बुद्धि मेरी कुबुद्धि की चाकर है और शांति मेरे हिंसा की दासी। वो धर्मध्वजा देख रहे हो हनुमान, वो प्रतीक है धर्म का, जिसे प्रभु राम ने इस संसार में स्थापित किया है। कहीं ये कलयुग का प्रभाव तो नहीं? कहीं कलयुग अभी से प्रवेश तो नहीं कर गया मेरे प्रभु श्री राम के त्रेता युग में? तो ये है वो राम राज्य का सिंहासन। इसी सिंहासन पर बैठकर राम ने अपने धर्म की स्थापना की थी। अब इसी सिंहासन पर बैठकर मैं स्थापित करूंगा द्वेष, घृणा, हिंसा और वासना। आज से राम राज्य समाप्त और आरंभ होगा एक नए युग का, कलयुग का, कलयुग का। जय श्री राम। ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम रूप अतुलित बल धामा, अंजनि उत्तम वर सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम रूप अतुलित बल धामा, अंजनि उत्तम वर सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय श्री राम। जय
जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक धर्म की यह ध्वजा ऐसे ही गौरव के साथ फहराती रहेगी। प्रभु राम की मर्यादाओं और स्थापनाओं पर मैं कभी संकट नहीं आने दूंगा, चाहे संकट बनकर कलयुग ही क्यों ना आए। राम भक्त हनुमान, नहीं नहीं नहीं, भक्त नहीं, सेवक, सेवक हनुमान। मैं जानता था राजा राम के जाने के बाद सबसे पहली भेंट मेरी उनके सेवक से ही होगी। तो तुम हो वो कलयुग, जो कहने को तो एक युग है पर जिससे अपने ही समय के आने की प्रतीक्षा नहीं हो पाई। प्रतीक्षा शक्तिहीन करते हैं। कलयुग तो अपना समय, स्थान, राज्य स्वयं बनाता है। लगता है समय से पहले आने का तुम्हारी बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है कलयुग। इसलिए तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो वो अधर्म को मिटाने वाला धर्म का सिंहासन है। मेरे प्रभु राम का सिंहासन, राम का सिंहासन है, का सिंहासन है। राम का युग समाप्त हुआ हनुमान, और अब आरंभ हो रहा है एक नए का, जिसमें लालच, लिप्सा और पाप है, क्योंकि अब इस संसार में आ गया है कलयुग। कलयुग, तुम्हारे जैसे अनेक अधर्मी इस संसार में आ चुके हैं कलयुग, और वे सब के सब अपने इसी अहंकार के साथ मिट भी गए। हनुमान, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कोई असुर नहीं, ना ही कोई व्यक्ति हूं जिसे तुम मिटा दोगे। मैं एक भाव हूं, आवेग हूं, जन जन के मन में छिपा हुआ घृणा घृणा तृष्णा तृष्णा और भाव भाव। तुम किसे मारोगे, मुझे या पाप और अधर्म से भरे हुए अपने लोगों को? तुम एक युद्ध जीत कर स्वयं को महाबली समझने लगे हो हनुमान, परंतु ये रंग नहीं पाप है, और ये सारे पाप मिलकर तुम्हारे विश्वास और प्रभु राम के बनाए हुए इस राम राज्य का कर देंगे सर्वनाश। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि जहां भक्ति का प्रकाश होता है ना कलयुग, वहां के लोगों को ऐसी बुराइयां छू भी नहीं सकती। हम तो तुम्हें है हनुमान, और मुझे तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। देखना चाहोगे कि कैसे कलयुग आता है, कैसे लोगों के मन में कलयुग प्रवेश करता है?
यही है ना हनुमान, तुम्हारे प्रभु राम की धर्म नगरी अयोध्या के हर घर पर ये गिद्ध कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे गिद्ध जो तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण गिद्ध नहीं है, ये सारे मेरा ही रूप है। वो जो लाल गिद्ध तुम देख रहे हो, वो मेरे रूप में क्रोध है, और वो पीला गिद्ध लालच, और वो जो सुनहरा गिद्ध तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो और कुछ नहीं माया है। वो जो श्वेत गिद्ध तुम्हें सबसे सात्विक लग रहा है ना हनुमान, वो ही है सबको ठगने वाली मृग तृष्णा। ये तुम्हें अलग अलग रंग के दिख रहे होंगे कलयुग, किंतु मुझे तो ये सब केवल एक ही रंग के दिख रहे हैं, अंधकार की तरह शीघ्र ही मिट जाने वाला काला रंग। मिटा दूंगा मैं, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा राम भक्त हनुमान का। पवन तने अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान की, जब तक मैं रहूंगा संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा, मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान। तुम एक युद्ध जीत कर स्वयं को महाबली समझने लगे हो हनुमान, परंतु ये रंग नहीं पाप है, जितने गिद्ध उतने पाप, और ये सारे पाप मिलकर तुम्हारे विश्वास और प्रभु राम के बनाए हुए इस राम राज्य का कर देंगे सर्वनाश। मिटा दूंगा मैं इस संसार की सारी मर्यादाओं और स्थापनाओं को, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा राम भक्त हनुमान का। पवन तने अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान, आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं रहूंगा संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा, मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान। मिटा दूंगा मैं इस संसार की सारी मर्यादाओं और स्थापनाओं को, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा राम भक्त हनुमान का। पवन तने अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान, आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं रहूंगा संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा, मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान।